हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके अंदर आपको क्या क्या सिलेबस आपको दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ और जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसमें तहत दूंगा। तो चलिए देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अंदर। देखिए, जो अगर आप प्री की बात करें तो इसके अंदर देखिए दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है जो कि 2 घंटे का होता है और 200 अंक का होता है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। ठीक है, सेकेंड जो आपका होता है, सेकेंड पेपर आपका सामान्य अभिरुचि का होता है, ये भी 2 घंटे का होता है और 200 अंक का होता है। परंतु इस के अंदर जो आपको जो सेकंड पेपर है उसके अंदर ये क्या होता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब जो आपकी मेरिट बनती है वो कौन से पेपर से बनती है, पेपर 1 से बनती है। लेकिन सेकंड पेपर केवल आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाइंग करना होता है। तो क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि केवल जो आपको जैसे जनरल कैटेगरी है तो उसे केवल 40% मार्क्स लाने रहते हैं और ओबीसी एसटी और एससी को केवल 30% लाना पड़ता है। तो ठीक है, ये 40 और 30 का भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या टॉपिक्स हैं। और अगर आपको ये भी जानना हो कि कौन सी पुस्तकें से पढ़ाई करनी चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। तो चलिए आज अब बात करते हैं सिलेबस की। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं। अभी आज जो आज के इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्या सिलेबस है उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है। मध्य प्रदेश का इतिहास की प्रमुख घटनाएं क्या है, क्या राजवंश है, स्वतंत्रता आंदोलन में किसका योगदान पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कला और एवं स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जनजातीय एवं बोलियां, उसके बाद है मध्य प्रदेश के त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। उसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां। देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक वीडियो इसके लिए भी सेपरेट बनाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे हर बार अभी तक जो भी प्रीवियस एमपीपीएससी उसमें पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक से तैयारी करना चाहिए, तो ये भी आप मुझको कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो देखिए, धार्मिक और पर्यटन स्थल और जनजातियों का व्यक्तित्व, ये आपका इसके फर्स्ट में टॉपिक में है। सेकंड आपकी बात करते हैं हम, देखिए उसमें किसका इतिहास लिखा है, भारत का इतिहास लिखा है। उसके अंदर देखिए प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं आपसे पूछ रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भी आपके धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, इस पे आपका टॉपिक है। उसके बाद आपको स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये टॉपिक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपको भूगोल भी दिया है, तो किसका दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का दिया है। पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, फिर भारत का इतिहास, अब मध्य प्रदेश का भूगोल, फिर भारत और विश्व का भूगोल है। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है, वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु, प्राकृतिक और खनिज संसाधन, परिवहन, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। फिर बात करते हैं हम देखिए भारत और विश्व के भूगोल की, तो इसके अंदर देखिए भौतिक भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन भी है। तो भौतिक भूगोल के अंदर भौतिक की विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, फिर प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण और सफारी। सामाजिक भूगोल में आपकी जनसंख्या, जनांकी, इसमें जनसंख्या वृद्धि, आयु लिंगानुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक भूगोल के अंदर है प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। विश्व के देखिए महाद्वीप है, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो ये भारत और विश्व के भूगोल में। फिर उसके बाद आपको फिर दिया देखिए मध्य प्रदेश का क्या, संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की पूछ रहा है आपसे। इसके अंदर संवैधानिक व्यवस्था में आपको कौन कौन से टॉपिक है, तो देखिए राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा वो और उच्च न्यायालय, ये आपके टॉपिक को उन्होंने संविधान के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन दिया है। वहीं फिर राज्य की ही अर्थव्यवस्था, मतलब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी है। इसके अंदर जनांकीय और जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी जो भी महत्वपूर्ण योजना है कल्याणकारी, वो आपको दी हुई है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान और भारत की अर्थव्यवस्था, ये देखिए ये भारत का संविधान और भारत की
संविधान और एवं उसकी अर्थव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया आपको कि देखिए भारत शासन अधिनियम आपको कौन सा पढ़ना है, 1919 और 1935 पढ़ना है, जबकि इससे पहले आपको सारे जो अधिनियम होते थे वो सब पढ़ना होते थे, लेकिन अब केवल 1919 और 1935 ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद संविधान सभा, फिर संघीय और कार्यपालिका और राष्ट्रपति और संसद है, फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, संवैधानिक संशोधन है, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था है। फिर देखिए यहाँ पर से आपका ये क्या हो जाएगा, ये है भारत की अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है। तो अर्थव्यवस्था में देखिए क्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, फिर वित्तीय संस्थाओं की बात करें तो इसके अंदर रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सेबी क्या होता है, एनएससी क्या है, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एनबीएफसी जिसे कहा जाता है वो टॉपिक में। तो ये अर्थव्यवस्था का है। तो देखिए आपको जब प्री में आप देखेंगे तो पूरा पूरा सिलेबस बाकायदा क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है और आपको किन बुक्स से इसकी तैयारी करना है अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे पूछ सकते हैं 8962429653 पर। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, किसके अंदर देखिए विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत है वो टॉपिक में, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव विविधता का टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये आपके विज्ञान और पर्यावरण में है। फिर देखिए आपको क्या है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक मतलब कि करंट अफेयर। देखिए यहाँ क्या लिखा है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। देखिए मैं एक वीडियो, अगर आपको ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको पहले पढ़ना चाहिए तो आप बकायदा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे एमपीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि क्या क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। तो देखिए इसके अंदर भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है और खाद्य संरक्षण आयोग है। तो इस तरह आपको देखिए पूरा मैंने आपको एक एमपीपीएससी प्री का क्या सिलेबस है ये बता दिया। अब अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि किन बुक्स से इसकी तैयारी करना है तो ये भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मैंने बिल्कुल बता दिया है कि क्या क्या आपको, और एमपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आप अभी से ही एमपी की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एमपी पर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि एमपी को बाकायदा बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो चलिए आपको अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।